गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ, SST लेसन। वी आर हियर टू रिवाइज अगेन अ टॉपिक हियर, एंड दैट टॉपिक इज डेमोक्रेसी, व्हाई एंड व्हाट। सो नाइन्थ क्लास का फर्स्ट लेसन है ये, जहाँ पे आप डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। व्हाट इज द डेमोक्रेसी? Democracy is a form of government where the people they are having the right to give the vote, and through that vote you can choose your representative and they will rule over you, means they will work for you. So this is the clear meaning of democracy. Democracy एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर एक constitution होता है, नेताओं को आप यानी जनता चुनती है और वो आपके फायदे के लिए, आपकी भलाई के लिए काम, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो डेफिनेशन मैंने बता दिया, चलिए आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ, और आपका चैप्टर चालू हो रहा है डेफिनेशन से, दैट आई हैव क्लियर्ड यू। नाउ हाउ डज डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग? बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भैया डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है क्योंकि लोगों के पास वोटिंग राइट होता है, वो अपना जो मर्जी शो कर सकते हैं, बहुत सारे राइट्स होते हैं, सरकार हमेशा उनके लिए काम करती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ पॉइंट्स नेगेटिव भी हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छी थॉट होती है हमारी कि डेमोक्रेसी जो होती है वो क्वालिटी ऑफ डिसीजन को गुड करती है। कैसे करती है? तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन को गुड करने के लिए एक जो बात यहाँ पर बताई जा रही है, एक बात जो कही जा रही है क्वालिटी ऑफ डिसीजन को गुड करने के लिए, कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है कोई एक पर्सन नहीं लेता, एक ग्रुप लेता है, और वो ग्रुप आपके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नेता होते हैं, वो नेता आपके डिसीजन लेने का काम करते हैं। और बहुत ही डिस्कशन होता है, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में एक बिल को पास करने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है, बिल को पास किया जाता है धीरे 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 धीरे, फिर यहाँ सदन उस सदन, तो बहुत आराम आराम से उसको प्रॉपर वे में चेकआउट करके लोगों का व्यू लेके पास किया। फिर बात करते हैं डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। डेमोक्रेसी भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, ठीक है, उसको यह हक देती है कि वह अपनी डिग्निटी के हिसाब से रह सके, वह अपनी इच्छा के अनुसार रह सके। इक्वलिटी है, कोई किसी के ऊपर भेदभाव नहीं है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी राइट्स आपको मिलेंगे। Being an Indian, whatever the rights you want and your constitution is explaining, you will get. So democracy है तभी, नहीं तो यहाँ पर कोई भी आएगा अपना राज चलाएगा तो different thing आ जाएगी। फिर बात होती है one person one value one vote, इसका मतलब क्या होता है? कई जगह आपने देखा होता है कि बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर जो अच्छे पोस्ट पर लोग होते हैं, उनका वोट का वैल्यू क्या होता है, अलग होता है, ठीक है, उनके वोट की वैल्यू 10 होगी या फिर ज़्यादा होगी। हिंदुस्तान के अंदर अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एक गरीब का भी उतना ही वोट काउंट होगा जितना एक बहुत बड़े करोड़पति का हो, जो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, इफ ही इज गिविंग द वोट दैट वैल्यू इज ऑल्सो काउंटेड एज वन, एज लाइक एज दैट पुअर मैन, ठीक है। फिर थोड़ा सा दिख रहा है पाकिस्तान अंडर डेमोक्रेसी। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहाँ पे आतंकवाद फूलता फलता है, टेररिज्म ही टेररिज्म है, करप्शन फैला हुआ है और वहाँ की जनता परेशान है, गवर्नमेंट सोती रहती है, बट फिर भी वो अपने आप को क्या कहता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट केवल नाम का। वहाँ पर हमेशा शासन चलता है किसका, सेना का, नेताओं को कुछ करने नहीं दिया जाता और सेना के अंदर वो काम करते हैं। जहाँ परवेज मुशर्रफ एग्जाम्पल ले सकते हैं, उन्होंने किस तरीके से बींग अ जनरल स्टार्टेड एंड आफ्टर दैट ही कंडक्टेड द इलेक्शन एंड बिकम द प्रेसिडेंट and controller of the Pakistan, and what is happening there, I don't want to explain you, you are knowing all the things, ठीक है। तो दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो कहते हैं झूठ मूठ का कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, पर उनके पास कोई डेमोक्रेसी नहीं होती, वो एक झूठ मूठ का चोला ओढ़ के चलते हैं, बट वहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स पब्लिक को नहीं मिलता, मीडिया फ्री नहीं होती, एजुकेशन नहीं है, लोगों को राइट्स नहीं है, वो सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये सब तो डेमोक्रेटिक राइट्स है, बट स्टिल दे आर सेइंग दैट वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री। अब ये सही है गलत है, आपको फाइंड इट, ठीक है। कुछ बात कर लेते हैं एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी की। अगर हम सोशल एस्पेक्ट की बात करें, डेमोक्रेसी अगर है
तो सोशल सामाजिक चीज भी होगी, यानी जो भी नेता होंगे चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, या कोई भी व्यक्ति हो जो उस पोस्ट पे है, जो जनता के काम कर सकते हैं, तो उसका मेन पर्पज यही होता है कि मुझे जनता की भलाई के लिए काम करना है, ना कि अपनी भलाई के लिए। ऐसा डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि होगा, होता है, नहीं होता है, वो तो यू आर नोइंग बेटर देन मी। ठीक है, तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें सोशल से, सोशल एक्टिविटीज पे, सोशल एस्पेक्ट पे, तो बहुत अच्छा है। सोसाइटी को, समाज को अच्छी दिशा में ले जाना, उसके डेवलपमेंट करना। अगर समाज की जरूरत क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, मूलभूत सुविधाएं भी अगर दे रहे हैं लोग तो बहुत बड़ी बात हुई, पर देते नहीं है। रोड होनी चाहिए एजुकेशन के लिए, आपका स्कूल होने चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, सभी को रोजगार मिलना चाहिए, पर होता नहीं। पॉलिटिकली एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पे सब फ्री है, सबका वोट का वैल्यू एक है, अलग से एक इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन को कंडक्ट कराता है, सभी को वोटिंग राइट, जो लोग 18 साल से ज़्यादा का है, यहाँ पे अमीर गरीब बड़ा छोटा सबका वोट का वैल्यू एक है। आप चाहो तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप भी नेता बन सकते हो मोदी जी की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में भी हम इजिली फाइंड आउट करते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है, जो इकोनॉमी को रन करने की कोशिश करती है, वो प्रॉपर वे में होता है और चाहती है कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भलाई, ज़्यादा गवर्नमेंट प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहती। ठीक है, तो जो भी काम किया जाता है सरकार करती है, बहुत सारे काम, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाना या फिर इकोनॉमी को इम्प्रूव करने का जो इन्वेस्टमेंट होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन पर्पज यही होता है कि हमारे यहाँ पे जनता की भलाई के लिए जो काम हो, अर्थव्यवस्था के ऊपर उठाया जाए और कम से कम रेट पे सारे सुख सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाया जाए, रोजगार पैदा किए जाए, और वो रोजगार किसके लिए, पर्सनल के लिए ना हो, जनता की भलाई के लिए हो। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, हमने बात कर दी भाई डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी बहुत अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जनता को वोटिंग राइट मिलता है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें हक उसको प्राप्त होते हैं जो उसको चाहिए, किसी भी जगह जा सकता है, पढ़ सकते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले हैं आपको। पर क्या डेमोक्रेसी सब कुछ है? नहीं, कुछ कमियां भी इसके अंदर, उन कमियों को हम लोग देख रहे थे, देते हैं कि वो कमियां क्या है। कमियां हैं जैसे सबसे पहले लीडर चेंजिंग, हर 5 साल बाद नेता बदल जाता है, हर 2 साल बाद नेता बदल जाता है, तो जो उसका विजन होता है, दूसरा नेता आता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, तो उन कामों को रोक देता है, फिर आगे चला जाता है, दूसरे नेता शुरुआत कर देता है, जो पहले वाला खत्म नहीं होता उससे उसके बाद दूसरे शुरू हो जाते हैं। तो लगातार नेता चेंज होने की वजह से किसी भी एक थॉट की तरफ हम लोग कभी बढ़ ही नहीं पाते। ठीक है, दूसरा है पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इतना है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ लोग बोलते हैं। ठीक है, प्लस फिर वो अपने इलाके के डेवलपमेंट, इसके डेवलपमेंट, ये वो पता नहीं, फिर जाति धर्म की बातों में घुस जाते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि वोट लेना है, खुश करना है लोगों को, तो झूठ मूठ का वादा करेंगे और पूरा कोई नहीं करते, क्योंकि वो वादे पूरे हो ही नहीं सकते हैं, जनता को सच बोलेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, करप्शन, करप्शन बहुत फैला रहता है, क्योंकि भाई सरकार के लोग हैं, जांच इंक्वायरी करने वाले कौन है, वो भी गवर्नमेंट के लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके पोलिटिकल कनेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा करप्शन फैलता है डेमोक्रेसी के अंदर। फिर डिले डिसीजन, एक एक बिल को पास होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बिल पास भी हो जाए तो धरना प्रदर्शन, नौटंकीबाजी, डिसीजन डिले हो जाता है, फिर अपोजिशन के लोग भी उसको पास नहीं होने देते। ठीक है, आपने देखा होगा NRC, शाहीन बाग, लीडर डोंट नो इंटरेस्ट ऑफ पीपल, जनता की पसंद का नेताओं को कोई मतलब नहीं कि आखिर जनता चाहती क्या है। एक ऐसा गरीब इलाका है जहाँ पे सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, आप वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए जा रहे हो, सबसे पहले आप वो दो, साफ सफाई चाहिए वो होता नहीं, मतलब द लीडर्स आर नॉट नोइंग व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल थॉट्स, लोगों का जो थॉट है, आम लोगों को पता ही नहीं होता मुझे चाहिए क्या, तो कंफ्यूजन में रहते हैं गरीब लोग बेचारे, उनको एक छोटा सा कुछ भी मिल जाए वही काफ़ी। तो सारी चीज़ें डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा है, बट कुछ कमियां हैं जिसको कंसिडर करना जरूरी है, और ये कमी डेमोक्रेसी की नहीं है, ये कमी हमारी है। वी आर द पीपल, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड वी कैन इम्प्रूव इट इफ वी वॉन्ट। पर एक मैक्सिको की कहानी है, छोटी सी बीच में आती है आपके लेसन बीच में, कि मैक्सिको के अंदर क्या हुआ, डेमोक्रेटिक कंट्री का तमगा उसके पास था या है, उन्होंने इलेक्शन करवाया, एक बार गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट बनने के बाद जो वहाँ के जो लीडर्स थे, जो हेड थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधे फिर उस पोस्ट को अपने लिए ही बना लिया, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी गवर्नमेंट के लोग थे उनको प्रेशराइज करना शुरू किया,
जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे बोला हमको वोट दो, जितने भी सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे उनके पेरेंट्स को बोला हमको वोट दो, गवर्नमेंट के सारी जो भी इक्विपमेंट्स थे उसका यूज़ किया। और इंटरनली जब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट में है तो आप क्या करेंगे, फोर्स करेंगे और लोगों को नौकरी करनी है तो देन दे विल सपोर्ट यू। और इसी वजह से आज तक वो क्या कर रहे हैं मैक्सिको के अंदर, उन्हीं की गवर्नमेंट बनती हुई आ रही है। क्यों? क्योंकि उस सरकार बनाने के बाद, नेता बनने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने पद का और अपनी पावर्स का यूज करके लगातार अपने नाम पे वोट लेते गए, इंटरनली ब्लैकमेल करके या फोर्स करके या लालच देके। ठीक है, तो मैक्सिको की कहानी तो बहुत अच्छा है। डेमोक्रेसी कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपको शायद अच्छे ना लगे, तो आपको सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, ये वो अच्छा है वो अच्छा है। नाउ बीइंग अ स्टूडेंट इट्स योर मॉरल ड्यूटी दैट यू हैव टू थिंक, डू यू एग्री ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन और नॉट। ठीक है,